नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे नए ब्लॉग पर। और आज फिर से हमारे नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कार से ही शुरू हो रही है। और ये सफर जो है बहुत सुहाना होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं और वो तो आप आगे देखेंगे कहाँ जा रहे हैं। तो इस ब्लॉग पर बने रहिए। और अब नहीं बताएगी अब। इसलिए जा रहे हैं हम लोग क्योंकि आज मेरी बुआ बुआ जी की एनिवर्सरी है। ये देखिए हमारे बुआ बुआ जी आगे बैठे हैं। In 500 meters, turn left onto National Highway 309. अवसर पर ही हम लोग गजिया माता के मंदिर जा रहे हैं। तो आप लोग इस ब्लॉग पर बने रहिए और गजिया माता के दर्शन कीजिए। यहाँ सफारी कार जीप खड़ी है जो पूरा कार्बेट जिम कार्बेट घुमाती है। और हम गर्जिया माता के मंदिर पहुँच गए। और देखो भंडारा, हाँ इधर ही खा लेंगे, चल दर्शन करा। अच्छा कहाँ आ गए हो आप लोग बताओ? हम लोग आए हैं गिरजिया माता जी के मंदिर। आप अभी पहली बार आए हो? पहली बार है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और पूजा आप कितनी बार आई? तीसरी बार। किसी बार आ गए? एक बार में आई थी। अच्छी आई थी एक बार। अच्छी अच्छी चल भी आए हो। अच्छी क्या कह रहा हूँ? जय कह रहे हो? जय। गर्जिया माता के मंदिर जा रहे हैं हम। आज पहली बार ऐसा हो रहा है जो नहीं लगी है। जय गर्जिया माता। हाँ जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की करो। ओ जय माता की। भंडारा चल रहा था, ले रहा हूँ ये भंडारे वाला प्रसाद हम लोग खा रहे हैं। काफी अच्छा है ना? काफी अच्छा विशाल भंडारा का आयोजन हुआ है यहाँ पर।
जो आप देख रहे हैं मंदिर में सभी लोग यहाँ पर भंडारे के प्रसाद का वो कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और काफ़ी चीज़ें मिली हुई हैं, पूरी, रायता, आलू की सब्जी, छोले, मीठा कद्दू, प्रसाद मीठे में, ये सब कुछ है। अब देखो बाबू नहाने के लिए कपड़े उपड़े उतार रहा है और अब बाबू कोसी नदी में नहाएगा। देखो अब हमारा बाबू जा रहा है नहाने के लिए। ये देखो बैठ जाओ बैठो बैठो बैठो, वाह नहा लेगा भैया अपने आप ये। बहुत ठंडा लग गया है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ठंडा लग गया है मेरे बाबू को, थोड़ा सा धूप में बैठा लेती हूँ। यहाँ आप देखिए बच्चे लोग आए हैं टूर पर आए हैं, काफी आज वैसे काफी स्कूल के बच्चे दिखे हैं टूर पर। चार्ज कितना बताया चार्ज? 3000 कहाँ तक का? अच्छा वो जहाँ अपन गए रहने दिया। अच्छा अरे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। चलो देखा एलिफेंट। और अब हम लोग अर्जिया माता के मंदिर से वापसी हो रहे हैं। कैसा लगा सब लोग बताओ? अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सफर रहा और बहुत अच्छे से दर्शन भी बहुत ही अच्छे से हुए है ना। बिल्कुल भी लाइन नहीं लगनी पड़ी और ना ही इंतजार करना पड़ा, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छे हमारे दर्शन हुए। आज का दिन बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। अभी हम ब्लॉग की एंडिंग नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम जाएंगे हनुमान धाम। बाबू क्या कर रहे हैं? बाबू का क्या है ये? कौन लाया ये? कौन लाया? दादी लाई बाबू के लिए। क्या लिया है ये? तो टेलीफोन लिया है। बुआ लाई है। बुआ ने लिया ये स्ट्रॉबेरी वाले भैया जो 120 रुपए पाव है स्ट्रॉबेरी बता रहे हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं फिलहाल तो। हम लोग हनुमान धाम आ गए और अब हम रास्ते में ही हनुमान धाम पड़ता है तो हमने सोचा हनुमान जी ये भी दर्शन करते हुए जाते हैं। सब गर्जिया वाले ही आ रहे हैं यहाँ पे। हम लोग हनुमान धाम मंदिर में पहुंच गए और हनुमान धाम जो है काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अलौकिक दृश्य यहाँ देखने को मिलते हैं, काफ़ी एकांत जगह में। इसके पीछे कोसी नदी बहती हुई आती है, काफ़ी अच्छा भव्य दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। का केक देखिए हार्ट शेप का है, कितना ही खूबसूरत है। काटने की तैयारी हो गई। हाँ काटो चलो। हैप्पी एनिवर्सरी पूजा बुआ बुआ जी की।